हेलो एवरीवन, वेलकम टू खिजरान टेस्टी ट्रे किचन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी तक लॉकडाउन भी चल रहा है तो सब लोग घरों में कुकिंग करके एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो आज भी जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बच्चों की भी फेवरेट है, बड़ों की भी है, हेल्दी भी है और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। रोज़ रोटी सालन खा के बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो मैंने कहा आज लज़ानिया आपके साथ शेयर करूँ। आज की जो रेसिपी है वो लज़ानिया रेसिपी है, बड़ी ईजी है और जो है बच्चों को भी अच्छी लगती है। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये कहना पसंद करूँगी, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। लज़ानिया बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है अनियन। अनियन मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए, उनको चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। वाइट सॉस बनाने के लिए मुझे 2 टेबलस्पून मैदा चाहिए। 2 टेबलस्पून मैंने ये मक्खन लिया है। 600 ग्राम कीमा है, ये एक भर के बोल जो है तकरीबन ये 600-700 ग्राम चीज़ है। मिक्स वेजिटेबल्स हैं मैंने ली, स्पिनच ली है और ये पास्ता सॉस है, ये भी तकरीबन 700 ग्राम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं लज़ानिया। लज़ानिया बनाने के लिए मैंने 9 लज़ानिया स्ट्रिप्स ली हैं अपनी बेकिंग डिश के हिसाब से। और मैंने ऑलरेडी पानी को जो बॉईल करने के लिए रखा हुआ था और 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया था। अब हम ये अपनी स्ट्रिप्स इसके अंदर डाल रहे हैं। आपको जितनी डिश में आपके आएंगी आप उस हिसाब से ले लें, या जितनी आपने लेयरिंग करनी है आप उस हिसाब से अपनी लज़ानिया स्ट्रिप यूज़ करें। मैंने 2 इसकी लेयरिंग करनी है तो मुझे 3 इसकी लेयर्स चाहिए हैं, तो इसलिए मैंने 9 स्ट्रिप्स ली हैं। और दूसरी तरफ जितनी देर में ये लज़ानिया बॉयल होगा हम उतनी देर में इधर मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल ले रही हूँ। इसके अंदर हम ये जो चॉप किया हुआ अनियन था ये डाल देंगे। इसको बस इतना कुक करना है ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, गोल्डन ब्राउन नहीं इसको करना। तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर कीमा डालूंगी और लहसुन अदरक का पेस्ट, वो जो चॉप किया हुआ लहसुन अदरक वो डालूंगी। प्याज को मैंने इतना सा बस वो फ्राई किया है, कहीं कहीं से लग रहा है गोल्डन हुआ हुआ है। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे लहसुन अदरक जो मैंने चॉप किया, 1 टेबल स्पून है। आप कोशिश करें कि खानों में फ्रेश लहसुन अदरक डाला करें, उससे ये कि खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको मैं तकरीबन 30 सेकंड बस इसको फ्राई करूंगी ऐसे, और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर कीमा डालूंगी चिकन का। आप किसी भी कीमे के साथ बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, बीफ का ले लें जो भी। चलें ये हो गया, अब हम कीमा ऐड करते हैं। कीमे को इसमें अच्छी तरह भूनना है और मैं साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून हम इसके अंदर सुरख मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा। बस ये हमारे इसके स्पाइस हैं। अब हम इसको अच्छी तरह कुक करेंगे। आपको ज़रा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप स्पाइसी खा लें, मसाले अपनी मर्ज़ी के ऐड कर लें। थोड़ी सी इसके अंदर मैं कुटी हुई या पिसी हुई जो भी अवेलेबल है काली मिर्च डाल दें, 1/2 टीस्पून। बस इसको अब 2-3 मिनट तक भूनते हैं ताकि चिकन के कीमे में से स्मेल ना आए, अच्छी तरह भून जाए, उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। कीमा अच्छी तरह देखें भून गया, मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा, मैं भी 1/2 टीस्पून और डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर जाएंगी वेजिटेबल्स, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं वो यूज़ कर लें, नहीं डालना पसंद करते तो ना डालें ऐसे ही।
बना लें। हम लोग वेजिटेबल्स ज़्यादा शौक से खाते हैं। ये स्पिनिच है, आप कच्ची स्पिनिच को ही चॉप करके डालें। मेरी ये थोड़ी सी ब्लांच है, मेरे पास इस वक्त ज़रा वो नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश नहीं थी, तो मैंने इसको वो की हुई पड़ी थी तो मैंने ये यूज़ कर ली है। बस अब इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना है और उसके बाद इसके अंदर जाएगी पास्ता सॉस और केचप। मैंने पास्ता सॉस अभी बाज़ार की यूज़ की है, मैं कमिंग वीडियोस में आपको पास्ता सॉस भी होममेड सिखा दूँगी बनाने। बस ये मैंने एक दो मिनट कुक कर लिया है, अब ये पास्ता सॉस जाएगी सारी इसके अंदर। लज़ानिया सॉस भी होती है, लेकिन इजी है कि आप जो भी अवेलेबल है, लज़ानिया सॉस है, पास्ता सॉस, दोनों के साथ ही ये चीज़ बन जाती है। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून केचप भी ऐड कर रही हूँ। बस अब हम इसको 2 से 3 मिनट बस कुक करेंगे और जैसे ये कुक होगा दूसरी तरफ हम वाइट सॉस की तैयारी कर लेते हैं। स्ट्रिप्स हमारी ऑलरेडी बॉइल्ड हो चुकी हैं, तो चलें दूसरी तरफ वाइट सॉस बनाते हैं। चलें, वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लिया है ऑयल और ये बटर है 2 टेबलस्पून। इसके लिए जो है ना, जब भी कभी आपने बटर वगैरह ऐसे करना हो किसी भी चीज़ में, तो उसके साथ हमेशा साथ ऑयल ऐड करें। अगर आप बटर खाली डालेंगे तो वो आपका बटर जल जाएगा, तो इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून वो लिया है, 2 टेबलस्पून ये जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर हम अपना मैदा ऐड करेंगे। चलिए, अब मैं ये मैदा ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको हम 2-3 मिनट लग जाते हैं इसको भूनना है। जैसे ही खुशबू आएगी उसके बाद इसके अंदर हम 1 कप दूध ऐड करेंगे और नमक और मिर्च ऐड करेंगे। वाइट सॉस के लिए यूजुअली स्टॉक भी यूज़ होती है, तो आप स्टॉक भी डाल सकते हैं दूध के साथ, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ दूध के साथ ही बना रही हूँ। मैं अब इसमें तकरीबन 1/4 ले रही हूँ वाइट पेपर, दखनी मिर्च भी इसको बोलते हैं, और 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च लूँगी। और 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। बस 2 मिनट के बाद आपको इसकी खुशबू आने लग जाएगी। ज़्यादा कुक नहीं करना, उसे मैदा जल जाएगा आपका। और दूध डालते साथ ही आपने कोई भी चम्मच से, स्पैचुला से या विस्क ले लें, उसके साथ आपने इसको जल्दी से मिक्स करते जाना है कि लम्स ना बने। ये देखें, बस इतनी देर बस इसको कुक करना है कि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। रनी रखनी है, बहुत ज़्यादा वो पेस्ट नहीं बनानी है, रनी रनी सी इसकी वो फॉर्म हो। तो ये भी बस ये 1-2 मिनट में ये हो जाएगा, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कुक कर ली है, ये बस इसको इस तरह ही रखना है क्योंकि ये थोड़ी देर में ख़ुद और ज़्यादा थिक हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना है और आप इसको स्टोव से पीछे कर लें। ये देखिए, अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। ये भी मैंने 15 मिनट तकरीबन इसको कुक किया है। अब इसको ड्रेन करते हैं इसका पानी और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि वो भी रेडी हो गई है इसका जो, ये चीज़ भी देखें बिल्कुल रेडी है। ये देखें, इसको भी आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी 15-20 मिनट बेक भी होगा तो ये फिर उससे भी और ज़्यादा ड्राई होगा। तो बस आपने इसी तरह इसको रखना है। अब हम इसकी लेयरिंग करते हैं। चलें, अब पहली लेयर हम पास्ता की लगाते हैं और पास्ता आपने इतना कुक करना है कि जब आप उसको पकड़ के शेक करें तो वो टूटे ना। 15-20 मिनट लग जाते हैं और पास्ता जब आप उसको ड्रेन करें तो उसके बाद फौरन उसके ऊपर ठंडा पानी ज़रूर डालें, उससे ये चिपकेगा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका पास्ता स्टिकी नहीं होगा। पहली लेयर लग गई है, अब हम इसके अंदर डालते हैं अपनी वाइट सॉस जो बनाई थी। अब हम अपना उस वो कीमा डालते हैं।
ये बस इतना आप देख लें, जितनी लेयर्स बनानी है उसे आप खुद ही आइडिया ले लें। तो लेकिन मैं ये तकरीबन हाफ इसमें डालूंगी, हाफ नेक्स्ट लेयर में जाएगा। आप उसको इजीली खुद भी डिवाइड कर सकते हैं जितनी लेयरिंग आपने करनी है। अब इसके अंदर जाएगी ये दबा चीज जाएगी, आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मेज़रोला भी और चेडर वगैरह भी। मैं इस वक्त मेज़रोला कर रही हूँ। आप केचप इसके ऊपर थोड़ी सी करेंगे, हर लेयर में तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब केचप जाएगी। और फिर दोबारा से ये रिपीट करेंगे। ये लें जी, ये लास्ट लेयर हमारी रेडी है। अब लास्ट में फिर यही चीज़ें जाएंगी, वाइट सॉस, केचप, चीज़, और उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी और क्या ऐड करना है। वाइट सॉस अगर आपकी नीचे तक भी आपने यूज़ कर ली है तो ठीक है, मेरी थोड़ी सी ये हो गई, ज़्यादा हो गई है तो मैंने इसको ऊपर डाल दिया। ये अब सारी चीज़ जा रही है इसके ऊपर। देखिए लेयरिंग कंप्लीट हो गई है, सबसे ऊपर जो टॉप लेयर है वो चीज़ की है। अब थोड़ी सी केचप इसके ऊपर भी ड्रिजल करेंगे, ठीक है, और साथ में हम ओरेगनो डालेंगे। ओरेगनो से खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। और ओवन को मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ है, 10 से 15 मिनट बस आपने इसको बेक करना है, और उसके बाद आपका लज़ानिया रेडी है। फिर हम आपको दिखाएँगे निकाल के ओवन में से, तो इसको ओवन में रख लेंगे। सेंट्रल ग्रिल के ऊपर आपने रखना है इसको। देखें हमारा लज़ानिया रेडी है, हार्डली 1 आवर लगता है कटिंग में, कुकिंग में, बेकिंग में। तो ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी। अभी हम इसको कट करके देखते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं इसको कितना, देखें काटने में भी सॉफ्ट है। 15 से 20 मिनट बस आपने बेक करना है इसको। ये देखें, बनाएं और इंजॉय करें, अपना बहुत ख्याल रखें, और जो है मेरी अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, बाय।